तो भाई पूरे दिन मैवरिक चलाने के बाद ना अब बात करेंगे इसमें आखिर क्या इतना मस्त लगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट आपको जरूर कर सकती है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसको देख के या फिर बाइक को चला के आपको मजा आ जाएगा। सारी चीजों की बात करते हैं। इस बाइक से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पता है क्यों है? क्योंकि ये हीरो की फ्लेक्सी बाइक है। इसमें हीरो ने काफी सारी चीजें बहुत ही कमाल की भी करी है। कुछ चीजें ऐसी जो कि शायद मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यार ये चीजें इतनी बेस्ट या फिर इतनी बढ़िया मिलेगी बाइक के अंदर। लेकिन एक दो पॉइंट्स है जहां पर थोड़ी सी निराशा मुझे हुई है। और बाइक को मैंने ऑलमोस्ट हर एक जगह चलाकर देखा है, चाहे रोड पर हो, हाईवेज पर हो या फिर ऐसे ऑफ रोडिंग टाइप जगह पे हो, मिट्टी में, खराब रस्तों में, हर जगह चलाया है। तो सारा एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ये सब देखने से पहले ये भी देखना बहुत जरूरी है कि बाइक के स्पेक्स क्या है, फीचर्स क्या है, क्या क्या ऑफर करती है बाइक, डायमेंशन क्या है, कहां कहां पर बाइक राइड करना अच्छा लगता है इसको। तो उन सब चीजों की बात करते हैं, सब कुछ जानते हैं बाइक के बारे में। उसके बाद फिर हम बात करेंगे बाइक के अंदर क्या अच्छा लगा मुझे बहुत और क्या थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर एजेंट पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो में न्यू हीरो मैवरिक के साथ। सबसे पहले बाइक की डिजाइन और लुक्स की बात करते हैं। बाइक के फ्रंट में आपको राउंड शेप में फुली LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है। LED इसके अलावा फ्रंट में आपको एक मरकार देखने को मिल जाता है, ये मेटल का। और साइड लुक की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको एक बड़े 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहाँ पर मैवरिक लिखा हुआ है, 440 यहाँ पर लिखा गया है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पे थोड़ा गोल्डिश आपको पार्ट दिख रहा है ना, हल्का हल्का गोल्ड, ये पूरा मेटल का है। ये पार्ट भी मेटल का है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। तो ये जो हल्का हल्का ये कलर जो दिख रहा है ना आपको, ये जहाँ जहाँ पर ये कलर है पूरा मेटल है। उसके अलावा ये भी मेटल है, बट ये जो बीच बीच में ये जो आप फेयरिंग देख रहे हो ना छोटी छोटी, ये ओनली प्लास्टिक की है। और डिज़ाइन कहने की थोड़ा सा बोबर टाइप लगता है मुझे इसका, और मतलब थोड़ा यूनिक भी लगता है। ऐसा भी नहीं कुछ मार्केट में चल रहा है उसी के जैसा सब कुछ क्लासिक सा डिज़ाइन है, थोड़ा सा अलग है और अच्छा भी लगता है देखने में। कहीं भी एंगल से देखने में ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जो हार्ले X440 है उससे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे इसका डिज़ाइन। पर्सनली मतलब बता रहा हूँ, अपनी चॉइस डिज़ाइन के मामले में अपनी अपनी चॉइस अलग हो सकती है ना भाई, सब्जेक्टिव मैटर है, बट मुझे इसकी अच्छी लगी है। यहाँ पर आपको सिंगल पीस सीट देखने को मिल जाती है, बट यहाँ से अगर सीट थोड़ी सी और वाइड होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट अभी भी ठीक है सीट, इससे कोई शिकायत आपको नहीं होगी। यहाँ पर एक सिंगल पीस ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग भी की गई है। रियर में आपको LED टेलर देखने को मिल जाती है कुछ ऐसे डुअल पैटर्न में, और बीच में जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लाइट यहाँ पर बीच में ऐड करी गई है। यहाँ पर LED इंडिकेटर सेम वही। उसके अलावा एक बड़ा सा मरगार्ड आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग भी की गई है। और आपको यहाँ पर मशीन कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। ये टॉप वेरिएंट है, लेकिन अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर आपको स्पोक व्हील देखने को मिलेंगे, बट मुझे कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेटर लग रहा है यार। व्हील साइज है 17 इंच रियर में भी और फ्रंट में भी। इसके अलावा एल्युमिनियम सफ्रेम देखने को मिल जाता है फुटरेस्ट के लिए, जैसे आपको नॉर्मल ट्यूबलर देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसा बल्कि सा आपको एग्जॉस्ट का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, अच्छा लगता है। और एग्जॉस्ट साउंड बहुत अच्छा है बाइक का, मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। एक बार थ्रोटल दियो, थम जो है ना यार भाई बहुत ही प्यारा है। वैसे लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, इसके बारे में बात करते हैं। और इस बाइक के इंजन की बात करी जाए जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है यार, मुझे इसका इंजन बहुत ज्यादा पसंद आया। 440cc का सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व इंजन है बाइक के अंदर। ऑयल कूल्ड है और 6 स्पीड का गियरबॉक्स आपको मिल जाता है। असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाती है और यहाँ पर इसका रेडिएटर लगाया गया है ऑयल कूलर के लिए, छोटा सा उस साइड आप देख सकते हो, तो ये छोटा सा रेडिएटर है। इसके अलावा जो साइलेंसर की पाइप बनी है वो बहुत बढ़िया है इस बाइक की, देख रहे हो। और कैमरा मेरे को दे, तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ से साइलेंसर जा रहा है ऐसे घूमते हुए, और नीचे से उस साइड से होते हुए फिर दोबारा इस साइड से होते हुए ऐसे पीछे तक आ रहा है, तो बहुत बड़ा है साइलेंसर, बट ये देखने में थोड़ा सा बल्की लुक देता है यार इसको। और पावर फेयर की बात करी जाए तो ये 36 Nm टॉर्क बनाता है लगभग 4000 RPM पर मैक्स के अलावा, 27 PS की पावर बनाता है 6000 RPM पर मैक्स पावर है ये। लेकिन जो टॉर्क डिलीवरी है ना भाई वो लगभग 2000 RPM से ऊपर आपको लगभग लगभग पूरा 90% के आसपास टॉर्क मिलता है, ये बहुत बेस्ट पार्ट लगता है इसका। बाकी चलाते टाइम मैं और अच्छे से बात करूंगा इंजन के बारे में। और इस इंजन को हीरो ने टॉर्क एक्स नाम दिया है, सुनने में भी अच्छा लगता है वैसे, और इसके लिए स्पेशल ब्रांडिंग भी की गई, 3DC लगती है अच्छे से। अब यहाँ पर मीटर कंट्रोल हैंडल बार की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको एक फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। खैर ये अलग से देखने में ऐसा लगता है कि एनालॉग प्लस डिजिटल होगा जिस तरह से इसका डिजाइन रखा गया, बट ये एक नॉर्मल डिजिटल मीटर है। इसके अंदर आपको मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, मोबाइल आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर,
SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, ये सब चीज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ओडोमीटर, उसके अलावा ट्रिप वन, ट्रिप टू, किलोमीटर पर लीटर, एवरेज रेंज दिखाती है बाइक कितने किलोमीटर और चल जाएगी। उसके अलावा स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, आरपीएम मीटर, आरपीएम मीटर बहुत छोटा है, आई थिंक थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था यार। और बाकी ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं, टाइम यहाँ पर मिल जाता है, बेसिक फीचर्स सारे मिल जाते हैं। और थोड़े एडवांस फीचर्स की बात करी जाए तो मोबाइल कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये आपको देखने मिल जाता है। इसके अलावा बाकी इंडिकेटर्स यहाँ पर सभी दिए गए, लेफ्ट एंड राइट, न्यूट्रल, साइड स्टैंड के लिए, हाई बीम के लिए, एबीएस के लिए, लो इंजन ऑयल, मालट फंक्शन लाइट, ये सब चीज़ों के लिए मिल जाता है आपको। और हैंडल बार की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको लो बीम, हाई बीम के लिए यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट के लिए, हैजार्ड लाइट के लिए और SOS इमरजेंसी के लिए चीज़ देखने को मिल जाता है। और कुछ इस तरह की आपको मिरर की डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर हीरो का लोगो पीछे ऐड किया गया वो राउंड शेप में, जो कि इस बाइक के ऊपर काफ़ी अच्छे से शूट भी करता है। और डायमेंशन की बात करी जाए तो बाइक के अंदर आपको 1388 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है भाई 175 mm का। सीट हाइट है 803 mm, मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा, अब इसलिए नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि टायर ऑलरेडी खड्डे में है तो मैं बाहर निकाल के बैठूंगा। वेट की बात करी जाए तो 187 kg वेट है इस वाली बाइक का, क्योंकि इसके अंदर आते हैं भाई डायमंड कट अलॉय व्हील्स। लेकिन अगर स्पोक व्हील वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर आपको वेट मिलेगा 191 kg। अभी बाइक वहां से निकाल लिया और अभी आप देख सकते हो 803 mm सीट हाइट है, और मेरे पूरे पैर जमीन पर है, शूज़ है वैसे, राइडिंग बूट है ये, बट उसके बावजूद मेरे पाँव थोड़े फोल्ड हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है। तो आई थिंक आपकी हाइट 5'5" भी है तो भी आप इजीली बाइक को चला सकते हैं, मेरी हाइट 5'10" के आसपास। एक चीज़ की मुझे शिकायत है इस बाइक से, पता है क्या है, इसकी फिट एंड फिनिश कहीं कहीं पर देखने से ऐसा लगता है कि यार थोड़ी और बेटर हो सकती थी। आखिरकार हीरो की एक फ्लैगशिप बाइक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ भाई। जैसे कि टैंक की आप साइड में देख रहे हो ना, यहाँ से थोड़ा सा चीप लगता है अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो, इस साइड भी है। उसके अलावा जैसे ये इग्निशन है, इसकी इग्निशन के अंदर देखो ये वाला इसका ठीक है, बट मैं आपको दूसरी बाइक का दिखा देता हूँ, इसमें शायद यूज करने वाला थोड़ा सा इजी से यूज़ करता होगा। देखो ये दूसरी बाइक है, ये भी ज़्यादा नहीं चली है, बट इसका इग्निशन देखो कैसा हो गया। तो कहीं ना ये चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगती। अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, देखो कितने किलोमीटर चली, मैं आपको दिखाता हूँ। बाइक चली है 367 km, मतलब बिल्कुल नई बाइक है। और इसका इग्निशन देखो एक बार आप, देखो कैसा हो गया ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगी, लो की क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। वैसे वेव की मिलती है आपको, थोड़ी प्रीमियम साइड है, बट इग्निशन की क्वालिटी ना, ये लोक है जो, लोक की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी होनी थी यार। ये छोटी छोटी शिकायत है कुछ दो तीन, और जैसे ये चेसी के ऊपर यहाँ से जो पैंट कर रखा है ये भी थोड़ा सा इतना प्रीमियम नहीं लग पा रहा, लेकिन इंजन का पैंट बहुत ही प्रीमियम लगता है देखने में यार, लगता है कि हाँ कुछ चीज़ है, तगड़ी सी लगती है चीज़ें। बाकी इन चीज़ों से कोई शिकायत नहीं, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ कि स्विच असेंबली है ना, जो स्विच असेंबली की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, ये जो बटन्स है ना इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इस साइड भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर हीरो की एक बड़ी सी ब्रांडिंग है, इसके अलावा ये जो बटन्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत सही है। बस थोड़ा सा ये लॉक सिस्टम थोड़ा अच्छा होता, उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं जिस तरह से बाहर दिख रही है, तो ये बहुत 100 रुपये यहाँ से पता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी होनी थी, बहुत 100 रुपये यार। और जैसे ये पैनल हो गया यहाँ पर, ये वाला पैनल, तो ये कुछ दो चार चीज़ें हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम फील नहीं होने देती बाइक को, तो आई थिंक ये थोड़ी सी बेटर हो जानी चाहिए थी यार। बाकी इसके अलावा ओवरऑल हर एक चीज़ बढ़िया है, उनसे कोई मुझे शिकायत नहीं है। और बाइक के ब्रेक और टायर्स की बात करी जाए तो बाइक के फ्रंट में आपको 110/70/17 का MRF टायर देखने को मिल जाता है, और ब्रेक्स यहाँ पर 320 mm का डिस्क ब्रेक है। उसके अलावा डुअल पिस्टन बाइब्री का कैलिपर यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा रियर की बात करी जाए तो रियर के अंदर आपको 150/60/17 का टायर से देखने को मिल जाता है, ये भी MRF का टायर है, लेकिन इन दोनों के जो वेरिएंट हैं वो अलग अलग है। रियर टायर MRF स्टील ब्रेस X सीरीज का है, और फ्रंट वाला MRF जैपर FY2 सीरीज का है। यहाँ पर आपको 150/60/17 का टायर देखने को मिल जाता है, रेडियल टायर है। उसके अलावा यहाँ पर 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया जाता है, बाइब्री का सिंगल पिस्टन कैलिपर देखने को मिल जाता है, डुअल चैनल ABS बाइक के अंदर मिल जाते हैं। और ब्रेकिंग कैसी हो तो मैं आगे बात करूंगा। और सस्पेंशन की बात करी जाए तो बाइक के फ्रंट में आपको 43 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर रियर के अंदर आपको डुअल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, मोनोशॉक यहाँ पर नहीं है, बट सस्पेंशन मुझे सीरियसली बहुत अच्छे लगे हैं बाइक के। देखो फीचर्स और स्पेस को लेकर आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली है बाइक के बारे में, तो थोड़ा बताकर मैंने भी बोर किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि बाइक में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है वो हम बात करते हैं बाइक को चलाते टाइम। तो अभी बाइक को लेकर चलते हैं रोड पे और फिर चलाते हैं, फिर उन सब चीज़ों की बात करते हैं। सर मैवरिक के रिव्यू में आपका स्वागत है, बड़ी स्पेशल जगह रन ऑफ का, जो मैं पहली बार आया हूँ। ये लगभग 27-28 किलोमीटर लंबा रोड है, आई थिंक 30 किलोमीटर भी हो सकता है, और इसको चलाने का मौका मिला इस जगह पे। यहाँ पर और भी एक स्पेशल जगह है, उसका नाम मैं बोल नहीं सकता, बस आप लोग मैसेज यहाँ स्क्रीनशॉट देख लेना। देखो परफेक्ट की बात करें ना तो नो डाउट बाइक बहुत ही बढ़िया कर रही है, और वैसे लॉन्ग स्ट्रोक इंजन से आपने बहुत ज़्यादा पंची परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट जिस तरह का ये इंजन है ना भाई, जिस तरह की टॉर्क डिलीवरी है बाइक की, टॉर्क डिलीवरी को देख के मज़ा आ जाएगा आपको, इतना स्मूथली चल रही है।
नो डाउट बहुत ही प्यारी लगती है, मतलब शुरुआत से ही इतना अच्छा पंच बना लेती है बाइक, मज़ा आता है। और अगर आपको कोई एक स्पीड मेंटेन करके चलनी हो ना, जैसे मान ही चलो मैंने फिफ्थ गियर लगाया है और अभी बाइक है लगभग 90 पर, और इतनी रिलैक्स लग रही है मुझे, इतनी रिलैक्स लग रही है, बहुत ही बढ़िया। 90-100 भी इतना स्मूथ लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि बाइक 100 की स्पीड पर आ गई है। बट एक छोटी सी शिकायत है मुझे, जैसे अभी मैंने एकदम से ब्रेक लगाया तो स्पीड बहुत देर में कम होती है, मतलब आप पहले स्लो हो जाओगे लेकिन मीटर के अंदर स्पीड आती रहेगी, थोड़ा सा लैग है, थोड़ी देर बाद जीरो होती है स्पीड उसमें। परफॉर्मेंस को लेकर सीधी सी एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आपको एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन से अच्छी सी परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो वहाँ पर ये बाइक बहुत ही बेस्ट है, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में मुझे एक बात बहुत ही बढ़िया लगती है कि परफॉर्मेंस ज़्यादा भी है लेकिन बहुत रिलैक्स भी फील होती है। आप किसी भी सिचुएशन में कैसे भी एक्सलेट करते हो ना बाइक को, पुल होती है बाइक अच्छे से, और एकदम से बहुत खतरनाक सा पंच नहीं होता, वो नहीं आता। बट इसकी जो पावर डिलीवरी है ना, वो ऐसी है कि जिस तरह आप थ्रोटल दोगे तो थ्रोटल जहाँ तक घुमाओगे वहाँ तक आपको प्रॉपर टॉर्क फील हो रहा होता है, जो कि बहुत ही अच्छा फील करा देता है। और ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन की तो पहचान है भाई, टॉर्क डिलीवरी सबसे मस्त होती है इनकी यार। और ब्रेकिंग की बात करें तो देखो, ब्रेकिंग मुझे पर्सनली इतनी टॉप नॉच तो नहीं लगी, बट डिसेंट है, थोड़ी और बेटर हो जाती ब्रेकिंग तो मज़ा आ जाता। हो सकता है टायर की वजह से ऐसा हो रहा हो या फिर किस वजह से, बट जो ब्रेकिंग बाइट है ना, जैसे ब्रेक लगाते हैं ना, तो इतना अच्छा फील नहीं आ रहा। मतलब एक होता है ना, ब्रेक तो लग रहा है, जो ब्रेकिंग बाइट है ना उसका जो फील है वो थोड़ा डिसेंट ही लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको थोड़ी सी शार्प ब्रेकिंग की आदत है तो फिर आपको थोड़ी ब्रेकिंग कम पसंद आएगी, बट अगर आप नॉर्मली कम्यूट करना चाहते हो बाइक को, नॉर्मल डेली यूज़ में यूज़ करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा शार्प तरह से आप बाइक नहीं चलाते हो, तो वहाँ पर ब्रेकिंग बहुत ही सही है, वहाँ पर फिर आपको शिकायत नहीं आएगी ब्रेकिंग से। और ऐसा फ्रंट ब्रेकिंग को लेकर नहीं है, फ्रंट और रियर दोनों ही ब्रेकिंग के अंदर मुझे जैसा फील हो मैंने आपको बताया। एक बार मैं आपको 0-60 0-100 दिखा देता हूँ बाइक का, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो ये था भाई 0-60 0-100। गेयर शिफ्टिंग की बात करी जाए तो वो भी डिसेंट है बाइक की, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सॉफ्टर साइड है गेयर शिफ्ट और आपको अच्छा लगता है गेयर शिफ्ट करने में। और दूसरी बात, क्लच भी काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब ऐसा भी नहीं क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मुझे लग रहा था क्लच इसकी हार्ड मिलेगी, बट ये सॉफ्ट साइड है, क्लच भी अच्छी है। और आई थिंक टायर थोड़े से और अच्छे हो जाने चाहिए थे बाइक के, टायर मुझे पर्सनली ठीक ठाक ही लगे, बट अगर आपको चाहिए अच्छे टायर तो आप अपग्रेड करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होती है चीज़ें। और सीट की बात करें ना तो देखो, वैसे तो कंफर्टेबल लग रही है सीट, मैंने लगभग 100 किलोमीटर तक मैंने बाइक को चला लिया है, बट एक चीज़ है कि आगे से थोड़ी नैरो है सीट ना, ये यहाँ से थोड़ी सी वाइड हो जाती ना तो और अच्छा कंफर्ट दे पाती, हल्की सी और वाइड होती तो आगे से, बट अभी भी ठीक है ऐसे, अभी तक तो मैं अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, शायद आगे भी नहीं होऊंगा भाई वैसे तो। और अगर सस्पेंशन की बात करें ना भाई, तो वो बड़े सही लगे मुझे बाइक के, देखो बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, और ये इसके लिए अच्छा पॉइंट है क्योंकि इस बाइक को नॉर्मल लोग क्रूजिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करेंगे या फिर नॉर्मल डेली कम्यूटिंग के लिए, तो उस हिसाब से कंपनी थोड़े से सॉफ्टर साइड ही रखे हैं, और उससे क्या है कि आपको ना डेली रूटीन में थोड़ा सॉफ्ट राइड मिलती, मतलब कंफर्टेबल लगता है यार, आप कैसी जगह चलाओ, मैं इसको पता नहीं कहाँ चला के आ रहा हूँ, मतलब हर जगह लगता है कि यार मस्त चीज़ है, वाह वाह अभी मेरा मस्त हो जाता। अरे सही है लिया। और टर्निंग रेडियस इस बाइक का इतना अच्छा है ना भाई, कम से जगह मुड़ जाती है, देख रहे हो, मतलब पता भी नहीं लगता, ऐसा लगता है मतलब पहले मुझे लगा था कि यार इतनी बड़ी बाइक है तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेती होगी, बट बहुत ही कम जगह मुड़ जा रही है, मतलब अच्छा है यार टर्निंग रेडियस सच में बहुत अच्छा है। और एक बहुत मस्त पार्ट मुझे इसका ये लगा है यार, इसमें वाइब्रेशन बहुत कम है यार, सीरियसली बहुत कम वाइब्रेशन है भाई, मतलब कि आपको 120 तक तो वाइब्रेशन फील ही नहीं होती है भाई। अभी मैं 6th गियर में हूँ और बाइक 110 पर है, और भाई सीरियसली मुझे कोई खास वाइब्रेशन बाइक पे फील नहीं हो रही है। हाँ अभी 120 के बाद हल्की फुल्की होने लग गई है, बट वो इतनी है कि आप नोटिस करते हो तो नोटिस होगी, अदरवाइज इतनी कोई खास वाइब्रेशन में नहीं है, मतलब बाइक में वाइब्रेशन नहीं है। हाँ अगर आपको बिल्कुल ही वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो फिर तो इलेक्ट्रिक ही है ना, इतनी तो रहेगी, सिंगल सिलेंडर है, मतलब इससे कम नहीं हो सकती थी इस बाइक में, 440 सीसी का इंजन है, सोच के देखो 440 सीसी के हिसाब से बहुत ही कम वाइब्रेशन है भाई। इस बाइक का जो वेट है ना, वो कभी कभी आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, 187 या 191, 190 किलो की बाइक है ये, बट रियल लाइफ में दिखने में ऐसा लगता नहीं 190 किलो की है, बट सिटी के अंदर इधर उधर चलाओगे आप तो टर्न करोगे बार बार तो वहाँ पे जरूर आपको कभी कभी फील होगा, बट जब आप हाईवे पे चलोगे ना तो आपको मजा आएगा, क्योंकि इतने भारी वेट के साथ ना
स्टेबल ठीक ठाक रह पाती है बाइक ये, मतलब 100, 110, 120 बड़े प्यार से चलती है, बड़े मक्खन तरीके से। और इंजन तो इसका है ही भाई, वो तो इसका सबसे सबसे तगड़ी चीज़ है इसकी। क्रूजिंग के लिए आई थिंक मुझे नहीं लगता इतने बजट में इससे अच्छी कोई बाइक होगी। अगर आपको क्रूजिंग करने के लिए कोई बाइक चाहिए ना, तो 110, 120 क्या क्रूज करती है ये बाइक, क्या क्रूज कर रही है, कमाल का भाई। बाइक ओवरऑल मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, बस दो चार चीज़ें जिनसे मुझे शिकायत हुई है, बट एक साइड में इसका प्राइस देखता हूँ तो प्राइस के हिसाब से बाइक काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो वैसे शिकायत करने के लिए है नहीं। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, तो शुरुआत में बाइक के अंदर USB चार्जर मिलता है, एक बार मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको USB चार्जर देखने को मिल जाता है, तो ये मैं आपको बताना भूल गया था। बाकी अब बात करी जाए कि बाइक किन लोगों को परचेज करनी चाहिए। देखो, अगर आपको एक 2 लाख 10 हज़ार 2 लाख 20 हज़ार 25 हज़ार के आसपास में टैक्सोन प्राइस पर कोई एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे आपको टूर करना है बहुत ही रिलैक्स तरीके से, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सीरियसली बता रहा हूँ कि ये 120, 110 इस तरह से क्रूज करती है ना, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही स्वीट तरीके से क्रूज करती है। वाइब्रेशन भी नहीं है बाइक के अंदर, बहुत ही मामूली वाइब्रेशन जितना होना भी चाहिए यार। देखो, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ कि बाइक उन लोगों के लिए जिनको स्ट्रीट फाइटर या बहुत ज़्यादा पंची पावर पसंद नहीं है, उनको पावर चाहिए भाई थोड़ा रिलैक्स, लेकिन पावर अच्छी खासी होनी चाहिए, टॉर्क अच्छा खासा होना चाहिए। आपको बाइक चलाते टाइम ऐसा नहीं लगे कि यार यहाँ पर बाइक को थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील हो रहा है, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लगे कि कमज़ोर पड़ गया, नहीं नहीं वो फील नहीं आता इस बाइक के साथ। मतलब टॉर्क डिलीवरी इतनी प्यारी है ना बाइक की, इंजन इतना स्मूथ लगा मुझे कि आई थिंक अगर आपको ट्यूरिंग करनी है या फिर आपको एक 400 cc के आसपास कोई बाइक चाहिए 2-2.5 लाख रुपए के आसपास में, रिलैक्स राइडिंग पोजीशन हो और पावर अच्छी खासी हो, टॉर्क अच्छा खासा हो, तो फिर आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। मैं आज राइड कर रहा था तो एक अलग ही आनंद था भाई, 110 120 के स्पीड पर इतना, आई थिंक जो इस प्राइस टैग पर बाकी जितनी बाइक आ रही है ना, वो कोई भी बाइक इतना रिलैक्स नहीं हो पा रही जितना ये रिलैक्स थी 110 120 पर। ये बहुत अच्छी बात है इस बाइक की। बाकी इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कर लेना, अपने बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो, खुश रहो यार।